अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुसा हफीज़ है। जब भी खबरें चलाई जाती है ना, इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल फाइनल होगा, खास कर करके जैसे वर्ल्ड कप पे चलाई जा रही थी उससे खबरें, वो हमेशा एशिया कप होते हैं, जब भी होते हैं फाइनल होता ही नहीं है। जो है ऐसी सिचुएशन बन जाती है, अब जैसे यूए और पाकिस्तान का था और इंडिया और बांग्लादेश का, हर कोई बात कर रहा था पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, पाकिस्तान जो है वो यूए को हरा देगी, बांग्लादेश को इंडिया हरा देगी, दोनों सिचुएशन उसकी उलट होगी। बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया, यूए ने पाकिस्तान को हरा दिया, दोनों टीमों के लिए मेरे ख्याल में जो स्पॉन्डिंग परफॉर्मेंस दी है दोनों ने, जिस कैलिबर की दोनों टीमें हैं उस कैलिबर की आज परफॉर्मेंस नहीं दी, क्रेडिट देना पड़ेगा यूए और बांग्लादेश को भी, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया जैसी टीमों को शिकस्त दिया और अपनी फाइनल में जंग बनाई। बेस्ट ऑफ लक के ये टीमें, अच्छा फाइनल हो, लेकिन जो शायकीन की मांग थी वो नहीं पूरी हुई और जो टीमें जीती हैं उनको अब क्या कह सकते हैं, उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान टीम हार जाएगी, इंडिया भी हार जाएगी, दोनों का फाइनल प्रेडिक्ट किया जा रहा था लेकिन और नहीं हो सका, ऐसी कोई खबर नहीं बन सकी और पाकिस्तान जो है वो बाहर हो गया, इंडिया भी बाहर हो गया।